खबर रोहतास जिले से निकलकर आ रही है, जहां आगामी 27 मई को रोहतास के तिलौथू प्रखंड क्षेत्र में मातृतला भवानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्रीज की कई बड़े दिग्गज कलाकार पहुंचने वाले हैं। इस महोत्सव के मुख्य कलाकार होंगे पावर स्टार पवन सिंह, साथ ही स्मृति सिंह, अनुपमा यादव और निशा उपाध्याय समेत कई अन्य क्षेत्रीय कलाकार। इस महोत्सव की तैयारी के लिए तुतलेश्वरी विकास समिति के सदस्यों ने दिन व रात मेहनत करने में जुटे हैं। सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये महोत्सव कोरोना काल के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुआ, जिसकी गूंज आपके दूर दूर तक सुनाई देगी। हालांकि इस तुतला भवानी महोत्सव की तैयारी की जायजा लेने हमारे RP के संवाददाता रोहित सिंह ने पहुंचा तो क्या कुछ कहा, ये देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। रोहतास से अभी भारत के लिए कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं RP भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित। हम पहुंचे हैं रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी के नजदीक माँ तुतलेश्वरी धाम के पास, और यहां जो पीछे जो दृश्य देख रहे हैं ये तुतलेश्वरी महोत्सव के तैयारी को लेकर सभी लोग जो हैं जोर शोर से लगे हुए हैं दिन रात। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह आने वाले हैं, और पवन सिंह के साथ ही भोजपुरी के कई सारे दिग्गज कलाकार भी यहाँ पहुँचेंगे। और इसमें क्या क्या कैसे तैयारी है इसको लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं, इनसे बात करेंगे ना। आप ये बताइए कि यहाँ पे पवन सिंह आने वाले हैं और तुतलेश्वरी में जो महोत्सव है ये होने वाला है, तो क्या कैसे तैयारी क्या है इसमें? तैयारी माने पवन सिंह आ रहे हैं, पवन के साथ साथ इमृति सिन्हा, उपमा यादव, निशा उपाध्याय। ये महोत्सव जो है 27 तारीख को होने वाला है, तो इसको लेकर मतलब आप यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो किस प्रकार से तैयारी हो रही है, क्या कैसे कुछ कहेंगे? कहेंगे एजा वॉलंटियर के 200 व्यवस्था हुए, माने एजा ब्रैकेटिंग भी हुआ है, और जेंट्स के अलग है, VIP लोग के अलग है, जितना भी लोग हैं उसका अलग व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? गुरुचरण यादव। अच्छा, आप यहाँ कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं जी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये तुतला महोत्सव के जो ऐसा संयोजक हैं विकास चौहान जी, इनसे बात करेंगे। आपका RP भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी। और ये बताइए कि यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कैसे तैयारी क्या है कुछ बताएंगे हमको? जी बिल्कुल, अभी ये जो माता का जो जागरण हो रहा है, इसमें भोजपुरी के जाने माने सितारे हमारे पवन सिंह जी तशरीफ ला रहे हैं, और वो माता का जागरण में भाग लेने जा रहे हैं। तैयारी बहुत ही उम्दा है, जितने भी हमारे कितने की संख्या में उम्मीद है कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे इस जागरण में? उम्मीद लगभग यहाँ पर, चूंकि आप जानते हैं कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग जो है लगभग बहुत है, तो मिलियन में है, तो यहाँ पर जो जागरण में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख प्लस की उम्मीद है जी। अच्छा, ये बताइए कि उनके अलावा कुछ और भी सिंगर हैं क्या यहाँ जहाँ पहुँचेंगे? हाँ जी हाँ, उनके अलावा उनकी को स्टार हैं स्मृति सिन्हा, वो भी इस जागरण में भाग लेने के लिए आ रही हैं, और अभी बिहार की उभरती हुई कलाकारा जो हैं अनुपमा यादव, वो भी इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आ रही हैं। निशा उपाध्याय हैं, वो आ रही हैं। आर्यन बाबू हैं बक्सर के, और सबसे विशेष आकर्षण हमारे ही क्षेत्र के, हमारे के रहने वाले जो बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं अभेंद्र उपाध्याय, वो विशेष आकर्षण के तौर पे हम सब के बीच के आंगन के बच्चे हैं, और वो हम सब के बीच इस बार मौजूद हैं, वो भी इस जागरण में। पिछले कोरोना काल के समय में यहाँ तुतला भवन में किसी प्रकार के महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया, खासकर मेला पर भी प्रभावित हुए, तो ऐसे में 2 साल बाद और भी एक बड़े कलाकार का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो इसमें विशेष रूप से क्या व्यवस्था है कुछ बताएंगे? बिल्कुल, कोरोना काल का ये दुष्प्रभाव रहा कि हम लोग माता का जागरण विगत 2 साल नहीं कर पाए। ये माता का तीसरा जागरण का वर्ष है, पहला जागरण 2018 में हुआ था, जिसमें हमारे मुख्य आकर्षण खेसारी लाल यादव जी थे, और उसके बाद दूसरा महोत्सव 2019 में हुआ था, उसके बाद 2 साल के बाद ये 2022 में 27 मई को ये तीसरा महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं, और पूरी भव्य तैयारी है ताकि माता का महोत्सव जो पिछले 2 सालों से नहीं हुआ है उसकी भी भरपाई की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को अगर इसमें देखा जाए, क्योंकि जहाँ भी बड़े कलाकार जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियों के कारण बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या आपके यहाँ व्यवस्था किया गया है?
एक्चुअली ये माता का जागरण है, महोत्सव के साथ साथ जागरण भी है। तो इसमें जब रस आएगी, जितने भी गैदरिंग होगी, भीड़ होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग अपने प्रशासन से प्रशासनिक व्यवस्था भी मांगे हैं। हमारे थाना अध्यक्ष कृपाल जी इस पे चिंता पहले ही जताए थे कि रोहतास पुलिस से आपको क्या इस पे सपोर्ट मिल रहा है। रोहतास पुलिस से प्रशासनिक व्यवस्था हमें मिलेगी, लगभग 200 प्लस हमारे जवान सहयोग में रहेंगे और हमारे वॉलंटियर भी 200 के आसपास हैं, स्वयंसेवक जो अलग अलग प्रखंड के विभिन्न गांवों से हैं, वो नामित हैं, वो सब भी सहयोग करेंगे। अभी हमारे सामने देख रहे हैं कि जो ये मंच तैयार हो रहे हैं, आज लगभग एक हफ्ते से भी ऊपर जो लोग हैं यहाँ के दिन रात लगे हुए हैं। इधर देखिए कि कैमरा पर्सन से कहीं दिखाएंगे कि सफाई कर्मी जो दिन रात लगे हुए हैं हर जगह से देखा जा रहा है, और इस पर काफ़ी दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे तितलिया महोत्सव को देखने के लिए, क्योंकि ये 2 साल बाद एक बड़ी तैयारी के साथ ये महोत्सव को मनाया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि आगामी 27 तारीख को इसमें किस प्रकार से इस महोत्सव का रूप देखा जा रहा है, किस रूप से दिया जाएगा और ऐसे में कहां कहां से लोग आते हैं। अच्छा ये बताइए विकास जी कि जो भी इसमें लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं या VIP कैटेगरी के लोग हैं, वैसे के लिए आप क्या व्यवस्था यहाँ पर कर पाए हैं? बिल्कुल, हम देखिए महोत्सव कमेटी ने जितने भी दर्शक आएंगे उसमें VIP के लिए अलग जोन है। आपके पीछे में ठीक ये देख सकते हैं VIP स्पेशल जो मंच के ठीक दाहिने तरफ है। यहाँ पर मतलब पूरे VIP के लोग यहाँ पर रहेंगे सब जगह से, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में वो भी रात्रि के समय जागरण जब ये खुशी जताएंगे, तो वैसे में फिर महिलाओं के लिए क्या आपके व्यवस्था हो पाएगा? बिल्कुल, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, यहाँ पर एक कॉलम है जो आप इस आम के बगीचा देख रहे हैं और सड़क के बिल्कुल नज़दीक है, और महिलाओं के लिए एकदम सेपरेट आने जाने की व्यवस्था है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मतलब अगर रात्रि में महिला यहाँ आएंगी तो उनको सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम भी होगा और हर तरह से व्यवस्था भी दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए माता का स्थान जंगल में ही होता है, आप माँ वैष्णो देवी ले लीजिए, माँ मुंडेश्वरी ले लीजिए, सब माता का दरबार जो है पहाड़ में ही है, तो और यहाँ माता के दरबार में हमें उम्मीद है कि पूरी सुरक्षा हम लोग दे पाएंगे। हमारी रोहतास प्रशासन व्यवस्था पूरी सुरक्षा की गारंटी लेती है और हम सब भी गुजारिश किए हैं, और माता के दरबार में आज तक ऐसा कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष भी माता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा महोत्सव। कमेटी की तरफ से ये तो सरकारी सुरक्षा व्यवस्था आपको दिया जा रहा है ना, लेकिन कमेटी की तरफ से जो वॉलंटियर हैं उनकी संख्या क्या होगी और ये किस तरह से कार्य कर पाएंगे? जो आम लोग हैं या कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ पर अचानक रात में आता है ना, क्योंकि पवन सिंह बड़े स्टार हैं और उनके नाम पे तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ 2-3 जिला से भी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो वैसे में अनजान अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए क्या संकेतित चिन्ह होगा कुछ, या फिर कैसे यहाँ आ पाएंगे? बिल्कुल होगा, जो भी हमारे कमेटी के सहयोगी हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी एक अपनी ID कार्ड होगी और हमारे मंच के नज़दीक या फिर कलाकारों के समीप बस वही लोग आ सकते हैं जिन्हें अप्रूव्ड है, कमेटी ने अप्रूवल किया है। अदरवाइज बाकी जो भी दर्शक आएंगे वो दर्शक दीर्घा में रहेंगे, VVIP जोन में रहेंगे, VIP अपने जोन में रहेंगे, महिलाएं अपनी जोन में रहेंगी और पूरी सुव्यवस्था रहेगी। ऐसे अभी देखिए कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है विकास जी हैं, जो सहसंयोजक हैं, काफ़ी कुछ बताएं कि इस महोत्सव में क्या तैयारी कैसे, हालांकि कुछ आम नागरिक हैं इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर पवन सिंह आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? लकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कार्यक्रम जो है 2 साल बाद होने वाला है, तो फिर इसमें क्या अंदर से कुछ लग रहा है? यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उस समय आए थे बहुत। अच्छा, पहले भी आप प्रोग्राम देख चुके हैं यहाँ पर? देख चुके हैं, तो चलते यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, बहुत बढ़िया पहुँचते हैं आदमी, देखते हैं कोई प्रकार के ऐसा घाटी नहीं। कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप यहाँ के करीबी हैं तो पवन सिंह आ रहे हैं 2 साल बाद, तो क्या आपके अंदर से खुशी कुछ है? बहुत बहुत खुशी है कि बहुत सुपर स्टार पवन सिंह जी आ रहे हैं, तो देखने को इस बार मौका मिलेगा, वो काफी करीब से। हाँ, बहुत बहुत काफी करीब से। चैनल के माध्यम से अन्य लोगों को क्या आप गुजारिश करेंगे? बहुत बहुत सब लोगों को चैनल के माध्यम से मेरे तरफ से नमस्कार है, और पवन सिंह जी बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर आ रहे हैं 27 तारीख को। यहाँ जनता भी हैं और कमेटी के लोग जो थे सभी लोगों ने हर्ष जताया कि पवन सिंह आ रहे हैं, तो इसके लेकर काफ़ी तैयारी है। हालांकि इसको लेकर कुछ प्रशासन स्तर पर भी तैयारी है ना, कई सारे पुलिस पदाधिकारी जो हैं आपस में बैठक कर रहे हैं कि इस महोत्सव का किस तरह से रूपरेखा दिया जाए, और इसमें देखना यह होगा कि आने वाला जो 27 तारीख है, हालांकि 2 दिन बाद ही 27 तारीख है,
तो इसमें किस तरह से लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दिया जाएगा, लोगों का क्या बैठने की व्यवस्था होगा? हम कैमरा पर्सन कहेंगे कि देखिए ये जितने भी ग्राउंड लेवल हैं करीब यहाँ पे 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और आने के बाद उनको बिल्कुल सुरक्षा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कमेटी के जो लोग हैं वह काफ़ी खुश हैं और कमेटी के लोग काफ़ी मन से एकदम काम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कि यही मंच बन रहा है, यहीं पे जो है बड़े बड़े कलाकार इसी मंच के ऊपर जाएंगे और यहाँ से अपने कलाओं को दिखाएंगे सब लोग ना। तब तक से आप ऐसी छोटी बड़ी खबरें से बने रहें, देखते रहें आरपी भारत। रोहतास से कैमरा पर्सन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की खास रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।